आदाब नाजरीन, इंशा टॉक्स में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और आज खबर देंगे आपको पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से बीमार थे और दुबई के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी उम्र लगभग 79 वर्ष की थी। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के दरियागंज में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद उनके वालिद पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। मुशर्रफ ने 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया और स्पेशल सर्विस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। 1965 और 1971 और 1999 भारत पाक जंगों में हिस्सा लिया। उन्हें फौजी तारीख में करगिल जंग के मरकजी किरदार के तौर पर जाना जाता है। मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश की और उन्हीं के दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुहायदा भी तय पाया गया। साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में मसले कश्मीर के हल के लिए 4 नुकाती फार्मूला पेश किया था। पाकिस्तान की तारीख में परवेज मुशर्रफ का किरदार अहम और मुतनाजा रहा। सन 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात किया। ताहम अगले बरस ही उन्होंने नवाज की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ताकतवर फौजी हुकुमरान से सियासतदान बनने वाला परवेज मुशर्रफ पर मुतादिद कातिलाना हमले हुए मगर वो उनमें बच निकले। अप्रैल 2002 में वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। साल 2004 में असेंबली से मुस्लिम लीग की हिमायत से आईन में 70वीं तरमीम करा के मजीद 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। सन 2007 में परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए पाकिस्तानी आईन को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला अदालत के 61 जजेस फारिग हो गए। ताहम 15 दिसंबर 2007 को मुशर्रफ ने इमरजेंसी खत्म की और आईन को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजेस ने ताजा हल्फ उठाया। 2008 में परवेज मुशर्रफ ने ओहदा छोड़ दिया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को गैरकानूनी तौर पर आईन को मुअत्तल करने पर तलब किया, ताहम वो पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया चले गए। मुशर्रफ के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए। अक्वामे मुत्तहिदा की एक इंक्वायरी में जनरल मुशर्रफ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी में जानबूझकर कोताही बरती। 2010 में मुशर्रफ के सियासी साथियों ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से एक सियासी जमात बनाई और परवेज मुशर्रफ को पार्टी का सरबरा तैनात किया गया। मार्च 2013 में वो ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान वापस लौटे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लें। ताहम उन्हें इंतखाब लड़ने से रोक दिया गया और उनकी जमात को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। उनके इख्तदार के उरूज के 20 बरस बाद उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उन्हें आईन से बगावत के जुर्म में सजाई मौत सुनाई थी। ताहम 2020 में लाहौर हाईकोर्ट ने मुशर्रफ मुखालिफ फैसला मुअत्तल कर दिया था। तो नाज़रीन, आज के शुमारे में हमने आपको खबर दी पाकिस्तान के हवाले से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आदाब।